अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शाहनवाज खाकी जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस का स्टेट ऑफिस बेरर हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस जैसा ये एक ऐसा वबा जो है फैल चुकी है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। हिंदुस्तान ने भी जो है 21 डेज़ का लॉकडाउन का ऐलान किया है, हम सबको उसका पालन करना है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई महीनों से 4G इंटरनेट स्पीड की जो है बहाली को लेकर काफ़ी एहतजाज हुए और काफ़ी लोगों ने डिमांड रखी। यूथ कांग्रेस ने जो है काफ़ी प्रोटेस्ट किए, लेकिन इस डिमांड को अभी तक भी जो है वो नहीं माना गया है। इंटरनेट 4G की जो है बहाली अभी तक अमल में नहीं लाई गई है और इस वक्त COVID-19 को लेकर लोग जो हैं सभी अपने घरों तक सीमित हैं। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स सब बंद पड़े हैं और स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, जो घर बैठ कर तैयारी करना चाहते हैं, वो सब परेशान हैं क्योंकि 4G इंटरनेट होगा वो यूट्यूब पे आसानी से लेक्चर अटेंड कर पाएंगे, लेक्चर देख पाएंगे और जो अपडेट्स हैं कोरोना वायरस को लेकर, जो प्रिकॉशंस के अपडेट्स हैं जो वो भी नहीं देख पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो मन की बात वो लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं वो सुन पा रहे हैं। तो गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री जी से, श्री अमित शाह जी से, जो होम मिनिस्टर हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो इस डिमांड को जो है वो जल्द से जल्द पूरा करें ताकि जम्मू कश्मीर का यूथ जो है थोड़ा सा ईजी फील करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।